हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ख्याति ईश्वर। एंड फॉर टुडेस वीडियो वी विल मेक योर मोस्ट वांटेड वीडियो स्लाइम वीडियो। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट टू मेक दिस स्लाइम। तो मैंने ये पार्ट टू है, मैंने एक आप ये मत समझिएगा कि वो जो मैंने बताया था आपको इस स्लाइम वीडियो की कहाँ से आप स्लाइम मतलब ऐसे सही वाला वीडियो देख सकते हो, वो वाला नहीं है, ये दूसरा वाला है क्योंकि ये पार्ट टू है। तो भी मैं ज्यादा मतलब ग्लू नहीं डाल रही हूँ और ये है ना सिंथेटिक गम डाल रही हूँ, आप फेविगम भी डाल सकते हो। तो भी मैं ज्यादा नहीं डाल रही हूँ और ये मैंने पहले भी टेस्ट कर लिया वीडियो बनाने से पहले कि ये वर्क करता है या नहीं। और गाइस, मैं यहाँ ले रही हूँ बोरो प्लस स्लाइम। तो आप बहुत ही देखते हैं, तो वैसे ही हम बोरो प्लस स्लाइम बना रहे हैं। तो ये रहा बोरो प्लस, वी विल एड इट बोरो प्लस। और गाइज, इस वीडियो में है ना आपको बहुत ज्यादा मिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो आप बिना मिक्स करे भी बना सकते हो। और आप सोच रहे होंगे हर वीडियो में बोरो प्लस क्यों, क्योंकि बोरो प्लस एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है। मैं नहीं जानती कि इसमें क्या होता है कि एक्टिवेटर की तरह काम करता है, बट हाँ इतना जानती हूँ कि करता है क्योंकि मैंने जो भी स्लाइम वीडियोज देखे ना उनमें बोरो प्लस जरूर यूज होता है, मतलब कुछ वीडियोज में। और कुछ में डिटर्जेंट और हॉट वाटर सॉल्ट बेकिंग सोडा ये यूज होता है, वो भी एक्टिवेटर की तरह काम करता है गाइस। तो गाइस, इसे हम अच्छे से घोट घोट के मिक्स करेंगे, उसकी अभी थोड़ी देर बाद कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी। तो गाइस, अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और गाइस, अगर आप मैं आपको है ना बताऊंगी, अगर आपकी ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं होती है तो आपको और बोरो प्लस डालना, चिंता नहीं होना है कि फेक वीडियो, क्योंकि ये 100% रियल वीडियो है, टेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मैंने इसे बनाने से पहले ही टेस्ट कर लिया था कि ये होता है या नहीं। और वैसे भी ये 3 इंग्रेडिएंट्स का है, तो गाइस उसकी कंसिस्टेंसी जैसी मैं चाहती थी वैसी तो अभी तक हुई नहीं, तो मैं आपको करके बताती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। तो गाइस देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो गई है, पर मैंने आपको बोला है 3 इंग्रेडिएंट्स स्लाइम, पर ये 2 इंग्रेडिएंट्स से भी बन जाता है, बिकॉज गाइस ये चिपचिपा है ना, तो इसमें हम इसे ऑयल भी यूज करेंगे। और अगर आपके साथ ऐसा हो कि ये चिपचिपा नहीं रहे तो फालतू में ऑयल मत डालना, और फिर ये आपका स्लाइम खराब भी हो सकता है, तो फिर आप उससे खेल लेना। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इजी हो गई है, बट ये बस इसको छोड़ेगा नहीं, इसके लिए हमें इसे ऑयल डालना है। पर मैं अभी ऑयल नहीं डाल रही हूँ, वैसे थोड़ी देर बाद ऑयल डाल दूंगी, पहले मैं इसको ऐसे मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। आपकी ये कंसिस्टेंसी में आप इससे खेलने मत लग जाना या फिर ऑयल मत डाल देना, और क्योंकि गाइस अभी आपको इसको है ना मिक्स करना है। मैंने बोला हाँ, ये मैंने 10 मिनट तक पूरा मिक्स किया, इसके बाद कंसिस्टेंसी हुई है ऐसी। और आपको क्या करना है, इतना सा बोरो प्लस से काम नहीं होगा, आपको पूरा आधा बोरो प्लस वेस्ट करना पड़ेगा। और गाइस अगर आपके पास भी मेरे जैसे दूध केसर बॉडी लोशन हो ना, पूरा बड़ा वाला डिब्बा जैसे मेरे पास है, बट उससे मैंने ट्राई किया था वो बना नहीं था, तो इसलिए मुझे ये छोटा पैकेट लाना पड़ा बाजार से, ये 5 रुपीज में मिल गया था मुझे। तो आप इसे 5 रुपीज में ले आओ और कर लो, क्योंकि मेरे पास बड़ा वाला था लोशन, बट क्या हुआ वो है ना काम नहीं कर रहा था, वो ये बहुत ही थिक है और वो मतलब ऐसा नॉर्मल लोशन जैसा है और ये मतलब बहुत ही थिक है इसलिए। और इसको अच्छे से मिक्स करिए, देखो गाइस अब ये थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा है, मेरे को लग रहा है आज ऑयल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हो सकता है कि हमें जरूरत पड़ जाए, इसलिए गाइस आपके साथ ऑयल रखिए जैसे मैंने भी रखा है, बट मैं इसको मिक्स करूंगी। चलो मैं अभी इसको मिक्स करके आपको बताती हूँ। तो गाइस ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मतलब ये छोड़ने लग गया है, बट फिर भी ये थोड़ा स्टिकी है, तो इसको ना स्टिकी मतलब नॉन स्टिकी करने के लिए ऐसे ये चम्मच नहीं छोड़ पा रहा है, मतलब इसमें भी थोड़ा स्टिकी। अगर आपके स्लाइम को झोंके देखोगे, मुझे नहीं लगता कि आपको कैमरे से समझ आ रहा होगा कि कितना स्टिकी है, इसलिए मैं आप सिर्फ एक ड्रॉप डाल रही हूँ, और इससे ये इतना हो गया है, और इसको मैं ऐसे निकाल देती हूँ। और ये देखिए गाइस हमारा स्लाइम रेडी है, अभी विद है ना हाथों पे चिपक रहा है। तो मुझे क्या करना होगा गाइस, इसे छोड़ो, इसे है ना इस तरह हमें क्या करना होगा,
मेरा स्लाइम हाथ में लग गया है, हमें इस तरह इसको बोरोप्लस को निकालना है। देखिए मेरा आधा बोरोप्लस ऐसा हो गया है, वो बोरोप्लस हाथ में लगाना होगा। थोड़ा सा ऑयल भी, अब मेरी चम्मच पूरी उसमें हो रही है इसलिए मैं थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ। और अगर आप चाहे ना तो इसको पहले से ही ऐसा करके रख सकते हैं। इसे आप मतलब ले पानी। तो गाइस इसे मैंने ऐसे कर लिया है और ये देखिए हमारा स्लाइम अभी रेडी हो गया है पूरी तरीके से। ये अगर आपको तो भी स्टिकी रहे तो आप है ना इसमें थोड़ा मतलब बोरोप्लस ऐड कर दे, वापस इसको नीचे रख दे और इस पे ना अच्छे से बोरोप्लस पूरा ऐड कर दे। तो अभी मेरे हाथ में स्टिकी हो रहा है तो इसमें थोड़ा बोरोप्लस ऐड कर देते हम। और ये चम्मच पे भी चिपक गया है, मुझे लग रहा है कि ऑयल की जरूरत है इसे वापस। और हाँ गाइस आप है ना इसे थोड़ा ऑयल के कॉन्टेक्ट में मतलब ज्यादा मत रखना, तो इसे ऐसे ऑयल में मैंने ऐसे अच्छे से मिक्स किया है। और आपको मतलब ऐसे लगेगा जब आप इसके बनाओगे ग्लू डालोगे कि इसके बाद है ना थोड़ा कम हो रहा है, तो हाँ गाइस ये कम हो सकता है और मतलब ऐसा मतलब नॉर्मल भी रह सकता है, कम भी हो सकता है। ऐसा मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि ये मतलब नॉर्मल रहेगा या कम होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा है ना कम हुआ है। अगर आपको भी वीडियो देख के लगे तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ओके गाइस तो हमारा ये जो है ना बहुत अच्छा बना है और रेडी भी है, बस ये थोड़ा सा स्टिकी है तो वो आप मतलब आप कर सकते हैं, आप हाथ में लोशन लगा सकते हैं नहीं तो क्रीम भी लगा सकते हैं। क्योंकि जब हम बस बोरोप्लस मत लगाना, क्योंकि बोरोप्लस के साथ ही ये बना हुआ है तो फिर ये और स्टिकी बन सकता है। तो मतलब हमारा स्लाइम तो मतलब टोटली रेडी है और ये इतना ज्यादा भी स्टिकी नहीं है, ये देखिए कुछ स्टिकी ज्यादा है नहीं ये। और अगर आपको स्टिकी ज्यादा लगता है तो आप ऑयल कर सकते हैं और इसे वाटर के कॉन्टेक्ट में मत रखिएगा, क्योंकि फिर ये क्या होता है ये जो स्लाइम होता है ना वो हमारा खराब हो जाता है वाटर के कॉन्टेक्ट में जाकर, क्योंकि ये होममेड स्लाइम है। जो हमारा रियल स्लाइम होता है तो उसकी तो बात ही अलग है गाइज। तो ओके गाइज बाय बाय। ये देखिए ये थोड़ी देर में ऐसा स्टिकी लगेगा आपको, तो अभी मैं इसको बाउल में रख देती हूँ और इसको थोड़ा और कांटेक्ट में करना पड़ेगा गाइस। मुझे लग रहा है कि ये इस बार नहीं बनेगा। और ये देखिए गाइस ये कितना गंदा हो गया क्योंकि स्टिकी था, तो इसे छोड़ दीजिए गाइस। आई थिंक ये इस बार नहीं बना है, जब मैंने इसे पहले बनाया था तब ये रियली बन गया था। और आप अगर इसको ट्राई करोगे ना तो ये जरूर बनेगा। और हाँ गाइस मैं आपको एक बात बताना तो बिल्कुल ही भूल गई थी, ये जो होता है ना स्लाइम इसमें आप कलर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ना कलर ऐड बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि गाइस अभी मैंने इसको कलर ऐड नहीं किया है। और अगर आपके हाथ में बहुत ज्यादा चिपक रहा है तो आप इसे मतलब ऐसे ऑयल के साथ लगा सकते हैं। देखिए गाइस अभी बिल्कुल आपके हाथ को ऑयल की जरूरत है, इतनी देर से मैंने ऑयल बहुत ही कम लगाया था क्योंकि मुझे लग रहा है ऑयल के कॉन्टेक्ट में कम हो जाएगा। और देखिए गाइस हमारा ये बहुत थोड़ा सा हो गया, आप बैकग्राउंड में देख ही सकते हैं कितना फैल गया है इसकी स्टिकी होने की वजह से। इसलिए आप इसे घर पे ही बनाइए, मैं गार्डन में बना रही हूँ इसे, बट आप इसे होम पे ही बनाइए घर पे। और ये याद रखिएगा नीचे पेपर बिछा लीजिएगा वरना घर गंदा होगा और मम्मी आपकी पिटाई कर देगी आकर। तो ये देखिए आपको स्लाइम मतलब बिल्कुल ही रेडी है, मतलब बहुत अच्छा है। इसको मैं हाथ पे से ऑयल लगा के ही रखिएगा। और गाइज आप है ना वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जैसे अभी मेरे हाथ में स्टिकी होने लगा और आप चलेगा कि ये फेक वीडियो है, हम इसे ट्राई नहीं करने वाले। हमारा बोरोप्लस वेस्ट हो जाएगा, हमारा ऑयल वेस्ट हो जाएगा, हमारा ग्लू, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है बिना ग्लू के स्लाइम बनाना है, हमारा ग्लू वेस्ट होगा। गाइस बिना ग्लू के तो आप कभी स्लाइम नहीं बना सकते, ये मैं आपको बता रही हूँ। और मैं ये भी सोचती हूँ गाइस कि जो हम परचेज करते हैं ना बाजार से, वो मतलब वो ज्यादा हमारे लिए इजी रहता है। जब हम इसे बनाते हैं तो वेस्टेज ज्यादा होता है। आपने भी लाइफ में बहुत बार स्लाइम्स बनाया होगा बट इट्स डिडंट वर्क। ऐसा मेरे साथ भी खूब होता है कि मतलब मैंने तो गाइस हजारों सैकड़ों स्लाइम बनाए होंगे और वो वर्क नहीं किया होगा। तो गाइस ये जो है ना बाउल में मैं इसे ठीक कर देती हूँ और मैं आपको वापस बताती हूँ कि कैसा रहेगा। और आप कलर भी डाल सकते हैं, मैंने कलर नहीं डाला है, आप डाल सकते हो। और आप सोचोगे कि फेविगम का कलर येलो है तो ऐसा मतलब कलर रह जाएगा, सब कुछ नहीं होने वाला गाइस कि कलर रह जाएगा आपका, ये कलर उड़ जाएगा। और मुझे वैसे भी व्हाइट स्लाइम अच्छा लगता है
व्हाइट भी हो जाएगा ना, ये तो मुझे कोई दिक्कत नहीं गाइस। तो ओके गाइस, मैं आपको भी बताती हूँ इन सबको इकट्ठा करके। तो गाइस ये देखो, ये ना रेडी हो गया। मैंने इसे पूरा अच्छे से कर दिया, एकदम रियल, हमारा एकदम रियल, पूरा 100% रियल है। बस थोड़ा मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये स्टिकी रहेगा। तो ये देखिए, मेरे हाथ इतने ऑयल में ना, उतना आपको ऑयल आपके हाथ पे लगाना पड़ेगा। और गाइस ये देखिए, मेरा हाथ पे थोड़ा स्लाइम ऐसे रह गया है। और ये जो स्लाइम आपके रह जाता है ना, उसको अपने स्लाइम में ऐड करने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि फिर वो है ना, आपका स्लाइम चिपचिपा हो जाता है। इस वजह से ये मैंने नोटिस किया है, जब मैंने आप पहले भी बनाया था ना, तब भी ये बहुत स्टिकी हो रहा था, क्योंकि मैं बाकी स्लाइम को ले दी थी। इसलिए गाइस हमारा इतने में ही हमारा स्लाइम बन गया है। ये देखिए कितना इजी वे था इसको बनाने का, और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में बनाया बनाया है। आप भले ऑयल नहीं डाले तो भी आपका बन सकता है। तो ये देखिए हमारा स्लाइम बन गया है। तो स्लाइम रेडी होने की खुशी में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। वैसे भी आप जो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही नहीं, मैं आपको इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज गाइस थोड़ा तो कर दिया करो, क्योंकि मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिए, प्लीज करो। क्योंकि आप तो मुझे देख देख के निकल जाते हो, और मेरी इतनी अच्छी वीडियोस के लिए, इतनी मेहनत वाली वीडियोस के लिए आप प्लीज ऐसे करा करो। इसको घोट घोट के मेरे हाथ दुख गए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। ओके, ये होता है लाइक, ये होता है शेयर, जो आपको आता है ना आइकन जो, और घंटा भी बजा देना, घंटा। तो मैं तो स्लाइम से खेलने जा रही हूँ, आप भी आपको बनाइए और खूब खेलिए। ओके गाइस बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे। हैव अ नाइस डे।